नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी भारती समाचार में। मैं हूं आपके साथ वर्षा वर्मा। फर्रुखाबाद के थाना क्षेत्र राजेपुर में बीते दिन हुई चोरी का खुलासा पुलिस अधीक्षक अशोक मीणा के द्वारा किया गया। जहर खुरानी गिरोह के 6 सदस्य गिरफ्तार। 40 लाख के 6 ट्रैक्टर, 3 ट्रॉलियां बरामद। दूसरे राज्यों में बेचते थे चोरी के वाहन। राजेपुर थाने की पुलिस और एसओजी टीम ने जहर खुरानी गिरोह के 6 सदस्यों को पकड़ा है। आरोपियों के पास से पुलिस ने 40 लाख रुपए की कीमत के चोरी के 6 ट्रैक्टर, 3 ट्रॉलियों को बरामद किया है। पुलिस आरोपियों से जानकारी जुटा रही है। राजेपुर थाने में पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा ने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। एक अंतर्राज्यीय गैंग है जो कि इसको चोरी करता है और उसके बाद उनके 36 नंबर और इंजन नंबर चेंज करके नई RC जारी करवा के अन्य राज्यों में इसको बेचते हैं। और इसमें राजेपुर थाना के अंतर्गत एक मुकदमा पहले से भी दर्ज था जिसमें एक व्यक्ति चोरी हुआ था। साथ ही साथ कमालगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत भी व्यक्ति चोरी का मुकदमा दर्ज था। साथ ही साथ उसमें जहर खुरानी भी हुई थी। इसमें CO अमृतपुर के नेतृत्व में SOG टीम, थाना राजेपुर की टीम और अन्य पुलिसकर्मियों के द्वारा ये सराहनीय कार्य किया गया है, जिसके अंतर्गत जो अंतर्राज्यीय जहर खुरानी का ट्रैक्टर चोरी करने वाला जो गैंग है इनके 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और साथ ही साथ इनके पास से 6 चोरी के जो ट्रैक्टर हैं, साथ ही साथ 3 ट्रॉली वो बरामद की गई है। इनके 3 अन्य साथी हैं जो मौके से फरार होने में सफल रहे, उनके लिए भी टीम लगा दी गई है, उनको भी जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाएगा। ये जो ट्रैक्टर हैं इनकी कुल कीमत करीब 40 लाख के करीब है और इन्हें जो ग्राम दहलिया के आगे इनका भट्टा है उसके पास से गिरफ्तार किया गया है। और इसमें इन सभी अपराधियों की क्रिमिनल हिस्ट्री है और ये बड़े शातिर अपराधी हैं। इनमें से कुछ मथुरा के रहने वाले हैं, कुछ कानपुर देहात के रहने वाले हैं, कुछ इटावा के रहने वाले हैं। और इसमें जल्द से जल्द पूरी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी और आने वाले समय में इस पर गैंगस्टर की कार्रवाई भी की जाएगी। एक कबाड़ी भी सर गिरफ्तार हुआ है, इसके खिलाफ सभी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और अन्य अभी जो लोग हैं जिसमें 3 फरार हैं उनको भी जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। हो सकता है उसके अलावा भी अन्य लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हों जो RC बनवाते हैं, जो 36 नंबर और इंजन नंबर को चेंज करवाते हैं। तो जब अन्य 3 लोग गिरफ्तार होंगे तो उनके बारे में पता चलेगा, तो उनको भी जल्द से जल्द गिरफ्तार किया पुरस्कार दिया गया है इसके इस कार्य के लिए। माँ भगवान देवी हॉस्पिटल 24 घंटे इमरजेंसी और अत्याधिक सुविधाओं से युक्त पादा बेहतर स्वास्थ्य का पता मां भगवान देवी हॉस्पिटल मैनपुरी चौराहा बजाज एजेंसी के सामने शिकोहाबाद जनपद फिरोजाबाद। डायरेक्टर डॉक्टर AK राजपूत। बलरामपुर के तुलसीपुर नगर और देहात क्षेत्र में कृष्ण जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। तुलसीपुर की पुरानी बाजार में तो अधिकांश घरों के सामने कृष्ण की मूर्ति रखकर विधिवत पूजा पाठ किया गया। वहीं नगर में अलग अलग जगहों पर जिनमें श्री राम जानकी मंदिर, चीनी मिल, तुलसीपुर रेलवे स्टेशन, कोतवाली, तुलसीपुर श्री हनुमानगढ़ी मंदिर सहित हजारों स्थानों पर भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया गया। इस अवसर पर तमाम संभ्रांत व्यक्ति व महिलाएं बच्चे ने भाग लिया। वहीं पर जगह जगह पर DJ लगाकर जहां सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ वहीं लोगों ने जमकर डांस किया। आधी रात को 12 बजते ही पटाखे की धमाकों से पूरा नगर गूंज उठा और अधिकतर लोग अपने अपने नज़दीक स्थानों पर दर्शन और प्रसाद के लिए पहुँचे, जहाँ पर पूजा के बाद आरती और प्रसाद वितरण किया गया। जय बिहार कॉलोनी कुशाहा में आवासीय गेटेड कॉलोनी में प्लॉट मात्र 12,50,000 में, जहां आपको गेटेड कॉलोनी के साथ बिजली, पानी, CC रोड भी उपलब्ध है। प्राइम लोकेशन जहां तहसील, बच्चों के लिए स्कूल, हॉस्पिटल बस कुछ ही दूरी पर उपलब्ध है। वीर विनायक चौराहा पर जय बिहार कॉलोनी। पहले आए पहले पाए, संपर्क करें 9918781100। बलरामपुर में युवा कल्याण विभाग द्वारा आयोजित जनपद स्तरीय ग्रामीण खेलकूद महिला पुरुष प्रतियोगिता का आयोजन स्पोर्ट्स स्टेडियम बलरामपुर में कराया गया, जिसमें एथलेटिक्स 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, 800 मीटर, 3000 मीटर दौड़, लंबी कूद, ऊंची कूद, गोला फेंक, चक्का फेंक, बालीबाल, कबड्डी,
कुश्ती आदि में प्रतियोगिता कराया गया, जिसका उद्घाटन जिलाधिकारी डॉक्टर महेंद्र कुमार एवं सदर विधायक पट्टू राम द्वारा किया गया। आपके शहर फिरोजाबाद में खुल गया राम शांति वेडिंग प्लानर्स एंड इवेंट। हमारे यहाँ शादी विवाह एवं बर्थडे पार्टी के लिए फ्लावर डेकोरेशन, लाइट डेकोरेशन, कैटरिंग, डीजे साउंड, फर्नीचर, वीडियोग्राफी, ट्रेवल्स, ब्यूटी पार्लर और सिक्योरिटी बाउंसर, लड़के लड़कियाँ, वीआईपी वेटर, सभी प्रकार की सुविधाएँ उपलब्ध है। राम शांति वेडिंग प्लानर का पता राम शांति पतंजलि केंद्र, बजरंग नगर, हनुमान मंदिर के पीछे, जलेसर रोड, फिरोजाबाद। डायरेक्टर मिस्टर राकेश कुमार कश्यप। बी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाए अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आए आर्य इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, रंबापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थ नगर। बी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाए अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आए आर्य इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, रंबापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थ नगर। बी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाए अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आए आर्य इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, रंबापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थ नगर। बी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाए अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आए आर्य इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, रंबापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थ नगर। जनपद फिरोजाबाद में आज एक प्रेस वार्ता में किया गया बड़ा खुलासा। थाना रसूलपुर पुलिस टीम के द्वारा 4 सातिर पशु चोरों को किया गया गिरफ्तार, जिनके नाम कुछ इस प्रकार से हैं। हैदर उर्फ बाबू पुत्र छोटे खां, निवासी देवरी रोड, गुम्बट, थाना सदर बाजार, जनपद आगरा। लोकेश जाटव पुत्र बिहारी लाल जाटव, निवासी गांधी ग्राम, थाना नरसिंह नगर, जिला रामगढ़, जिला राजगढ़, मध्य प्रदेश। अभी पुत्र सलमान खान, निवासी पाली धर्मन, थाना गहौत, जिला भिंड, मध्य प्रदेश। इन चारों अपराधियों से एक तमंचा, 315 बोर, एक जिंदा कारतूस, 315 बोर, दो बकरी रंग काला भूरा, एक कार इको, एक मोबाइल कीपैड वाला, एक मोबाइल एंड्रॉयड एवं 4000 रुपए सहित किए गए गिरफ्तार। इन चारों अपराधियों को मुखबिर की सूचना पर थाना रसूलपुर क्षेत्र के अंतर्गत बिजली घर के पास सर्विस रोड से किया गया था गिरफ्तार। इन चारों अपराधियों को विभिन्न धाराओं के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई करते हुए भेजा गया जेल। बाकी पुलिस को इनकी और गैंग के लोगों की है तलाश। किया गया जिसमें चार लोगों को गिरफ्तार किया गया, हैदर, लोकेश, अनीस और आबिद। इनके पास से चोरी गए किए गए पशु, वाहन तथा नाजायज असलहे बरामद किए गए हैं। इनका एक लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास रहा है। इन्होंने कुछ दिन पहले इको गाड़ी भी चोरी की थी। इनके पास से कुछ नकदी भी बरामद की गई है। इस गैंग के अन्य कौन कौन से जुड़े हुए लोग हैं, इनके बारे में हम लोग जानकारी कर रहे हैं और जो भी हमें तथ्य मिलेंगे उसके आधार पर हम अग्रिम बैठाने की कार्रवाई कराएंगे। कम खर्चे में अच्छा इलाज कराएं नवजीवन हॉस्पिटल, 24 घंटे इमरजेंसी, अत्याधिक सुविधाओं से युक्त बाधा, बेहतर स्वास्थ्य का डिलीवरी, नॉर्मल एवं ऑपरेशन द्वारा कराने की सुविधा है। पित्त की थैली में पथरी का ऑपरेशन एवं गुर्दे पेशाब की थैली में पथरी का इलाज दवाइयों द्वारा किया जाता है। हृदय रोग, ब्लड प्रेशर, शुगर, नींद न आना, श्वास फूलना, पेट एवं छाती के रोगों का इलाज कुशल चिकित्सक की देखरेख में किया जाता है। पता रेलवे लाइन के किनारे निकट दाल मिल, पैमेश्वर गेट, रेलवे पुल के पास, नया रसूलपुर, फिरोजाबाद। निदेशक श्री राम गोपाल वर्मा जी। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर। राजस्थान के सीकर जिले में होगा विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन, जिसको लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। रक्तकोष फाउंडेशन के सीकर जिला अध्यक्ष मुकेश कुमार जांगिड़ ने जानकारी देते हुए बताया है कि खाटू श्याम बाबा की नगरी में सुबोध पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल कैंपस लामिया रोड पर आयोजित होने वाले रक्तदान शिविर को लेकर खाटू नगरी की बाबूलाल जांगीड़ बम्बई वालों की होटल गायत्री पैलेस में डीबी भारती समाचार चैनल के पत्रकार कुलदीप सिंह सिरोहिया की रक्तकोष फाउंडेशन के सीकर जिलाध्यक्ष से हुई वार्तालाप के दौरान बताया गया है कि बाबा श्याम जी की पाठन भूमि खाटू श्याम जी में 28 अगस्त 2022 रविवार को
प्रातः 9 बजे से दोपहर बाद 4 बजे तक सुबोध पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल कैंपस लामिया रोड खाटू श्याम जी जिला सीकर राजस्थान में रक्तकोष फाउंडेशन जिला शाखा सीकर राजस्थान एवं समस्त नगरवासियों खाटू श्याम जी के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित होगा विशाल स्वैच्छिक रक्तदान शिविर रक्तकोष फाउंडेशन जिला शाखा सीकर के जिलाध्यक्ष महेश कुमार शर्मा जांगिड़ निवासी आभावास खाटू श्याम जी ने बताया कि इन दिनों ब्लड बैंकों में ब्लड की भारी कमी को देखते हुए रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। सुबोध पब्लिक स्कूल के प्रधानाचार्य बिरती चंद मोबाल ने बताया कि रक्तदान शिविर के सफल आयोजन के लिए खाटू श्याम जी के साथ साथ आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को रक्तदान के प्रति जागरूक किया जा रहा है। सुबोध पब्लिक स्कूल के निदेशक कछमण राम गढ़वाल ने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं हमारे संवाददाता कुलदीप सिरोहिया की इस खास रिपोर्ट में। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर। आपके शहर फिरोजाबाद में खुल गया राम शांति वेडिंग प्लानर्स एंड इवेंट। हमारे यहाँ शादी विवाह एवं बर्थडे पार्टी के लिए फ्लावर डेकोरेशन, लाइट डेकोरेशन, कैटरिंग, डीजे साउंड, फर्नीचर, वीडियोग्राफी, ट्रेवल्स, ब्यूटी पार्लर और सिक्योरिटी बाउंसर लड़के लड़कियाँ, वीआईपी वेटर, सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध है। राम शांति वेडिंग प्लानर का पता राम शांति पतंजलि केंद्र बजरंग नगर हनुमान मंदिर के पीछे जलेसर रोड फिरोजाबाद। डायरेक्टर मिस्टर राकेश कुमार कश्यप। कम खर्चे में अच्छा इलाज कराएं नवजीवन हॉस्पिटल 24 घंटे इमरजेंसी। अत्याधिक सुविधाओं से युक्त बाधा बेहतर स्वास्थ्य का डिलीवरी नॉर्मल एवं ऑपरेशन द्वारा कराने की सुविधा है। पित्त की थैली में पथरी का ऑपरेशन एवं गुर्दे पेशाब की थैली में पथरी का इलाज दवाइयों द्वारा किया जाता है। हृदय रोग, ब्लड प्रेशर, शुगर, नींद न आना, श्वास फूलना, पेट एवं छाती के रोगों का इलाज कुशल चिकित्सक की देखरेख में किया जाता है। पता रेलवे लाइन के किनारे निकट दाल मिल
पैमेश्वर गेट रेलवे पुल के पास नया रसूलपुर फिरोजाबाद। निदेशक श्री राम गोपाल वर्मा जी। देखते रहिए टीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर। जय बिहार कॉलोनी गुशाहा में आवासीय गेटेड कॉलोनी में प्लॉट मात्र 12,50,000 में, जहां आपको गेटेड कॉलोनी के साथ बिजली पानी सीसी रोड भी उपलब्ध है। प्राइम लोकेशन जहां तहसील, बच्चों के लिए स्कूल, हॉस्पिटल बस कुछ ही दूरी पर उपलब्ध है। वीर विनायक चौराहा पर जय बिहार कॉलोनी। पहले आए पहले पाए, संपर्क करें 9918781000। आपके शहर फिरोजाबाद में खुल गया राम शांति वेडिंग प्लानर्स एंड इवेंट। हमारे यहाँ शादी विवाह एवं बर्थडे पार्टी के लिए फ्लावर डेकोरेशन, लाइट डेकोरेशन, कैटरिंग, डीजे साउंड, फर्नीचर, वीडियोग्राफी, ट्रेवल्स, ब्यूटी पार्लर और सिक्योरिटी बाउंसर, लड़के लड़कियाँ, वीआईपी वेटर, सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध है। राम शांति वेडिंग प्लानर का पता राम शांति पतंजलि केंद्र, बजरंग नगर, हनुमान मंदिर के पीछे, जलेसर रोड, फिरोजाबाद। डायरेक्टर मिस्टर राकेश कुमार कश्यप। माँ भगवान देवी हॉस्पिटल 24 घंटे इमरजेंसी और अत्याधिक सुविधाओं से युक्त पादा बेहतर स्वास्थ्य का। पता माँ भगवान देवी हॉस्पिटल, मैनपुरी चौराहा, बजाज एजेंसी के सामने, शिकोहाबाद, जनपद फिरोजाबाद। डायरेक्टर डॉक्टर ए के राजपूत। और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आर ए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, रंभापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थ नगर। बी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आर ए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, रंभापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थ नगर। बी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आर ए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, रंभापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थ नगर। बी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आर ए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, रंभापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थ नगर।